भारत और नेपाल के रिश्ते बेहद खास हैं और शायद यही वजह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्पकमल दहल प्रचंड ने फैसला किया कि वो सबसे पहली विदेश यात्रा भारत की ही करेंगे। तो इस खास यात्रा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नारायण प्रकाश साउत, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री हैं। सर, भारत में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद है सर। पहला सवाल इस चीज को लेकर, भारत और नेपाल के रिश्ते बेहद खास है, लेकिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की इस यात्रा के में क्या एजेंडा, क्या कुछ खास होने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी से जब उनकी मुलाकात होगी तो क्या कुछ बात होगी? आपने जैसे कि कह दिया है कि नेपाल और भारत के रिश्ते खास हैं, हम लोगों के संबंध प्राचीन हैं और सुमधुर हैं। हमारे बीच में कई एजेंडे हैं बात करने के लिए, विशेष करके हम लोग पारवहन पर बात करेंगे, वाटर पानी का जल स्रोत का उपयोग पर बात करेंगे, भारतीय लगानी जो है उसको नेपाल में कैसे आकर्षित किया जाए उस पर बात करेंगे, भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट का जो मोदी जी ने पहले कमिटमेंट किया था उसका कैसे ट्रांसमिशन पे खर्चा किया जाए, उसका एलोकेट किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम भारत के साथ वो विद्युत व्यापार के बारे में भी बात करेंगे। भारत के भाई इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ विद्युत व्यापार हो ऐसा भी हम चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के विजिट में विद्युत के संबंध में काफ़ी एजेंडे हैं। उसके बाद पारवहन के बारे में है, कृषि के बारे में है, और कनेक्टिविटी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भारत के रास्ते कुछ एयर रूट्स हमें अवेलेबल हों ताकि हम लोगों का हवाई यातायात जो है वो स्वाभाविक रूप से चले, क्योंकि हमारे पास एक एयर रूट है वो काफ़ी कंजक्टेड है, कुछ उसमें जो व्यस्त रहता है, इसीलिए हमें कुछ और एयर रूट भी चाहिए। इसके बारे में नेपाल चाहता है कि जो उसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स हैं उसका इस्तेमाल भारत में हो सके, बिजली का निर्यात नेपाल कर सके और भारत के रास्ते बांग्लादेश तक निर्यात कर सके। देखिए, अब दुनिया में ये क्लीन एनर्जी की ओर दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत में भी पहले कोयला का प्रयोग होता था और कई चीज़ों का प्रयोग होता था, न्यूक्लियर एनर्जी भी बनती थी, ये सब क्लीन एनर्जी नहीं है। इसीलिए क्लीन एनर्जी जो है वाटर रिसोर्सेज से आती है और उसका सबसे ज़्यादा सोर्स, बड़ा सोर्स नेपाल के पास है। हमारे पास हाई हिमालयाज हैं, वहाँ से बहने वाली जो स्थायी नदियाँ हैं वो हैं, वहाँ से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और उस विद्युत उत्पादन से भारत में जो ऊर्जा की कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश के पीएम साहब के साथ भी हमारी मुलाकात हुई और उस पर उन्होंने बांग्लादेश में भी विद्युत का बहुत बड़ा बाजार है, खपत के लिए मांग है करके उन्होंने कहा। इसीलिए हमारे पास कई संभावनाएं हैं, विद्युत उसमें बहुत बड़ी संभावना है। उसके बाद भी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हम व्यापार में नेपाल में के पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ के टेरेन भी है, वहाँ का जो कृषि उत्पादन है उसको हम भारत में आयात कर सकते हैं। विदेश मंत्री जी, भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो रोटी बेटी के रिश्ते कहे जाते हैं, बहुत खास हैं। 1800 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, 2/3 से ज्यादा नेपाल का ट्रेड भारत से आता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो बहुत सारे विवाद हुए उसने ये जो संभावनाएं हैं जिनको आप गिना रहे हैं, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं असर डाला, चाहे काला पानी बुलेट वाला विवाद हो या ऐसे कई जो राजनीतिक विवाद रंग ले गए, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की कोशिश होगी इस यात्रा के अंदर उन विवादों को पीछे हटा के आगे बढ़ा जा सके? देखिए, हम जब भी नेपाल और भारत के संबंधों को वो मनोवैज्ञानिक रूप में एक नैरेटिव बना के देखना नहीं चाहते। वो नेपाल और भारत के संबंध प्राचीन काल से हैं, बहुत पुराने संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। ये अच्छे संबंध और निकट संबंध के कारण कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन जो है आपस में एक दूसरे के प्रति, उसमें कभी ऊपर नीचा होता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो है हमारे बीच में जो विवाद हैं
उस पर जैसे सीमा का विवाद है तो उसका भी हम समाधान चाहते हैं, वो बातचीत के जरिए कूटनीतिक पहल के जरिए उसका समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ उसकी वजह से या किसी और चीज़ के वजह से वो बातचीत हो रही है, वो आगे बढ़ेगा, उसका समाधान निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारा जो आर्थिक विकास का साझेदारी का विकास में साझेदारी का जो हमारा अभियान है वो भी आगे बढ़ता रहना चाहिए, ताकि विकास की साझेदारी में हम आगे बढ़ेंगे तो और छोटे मोटे और या बड़े भी हों तो जो एजेंडे जो सहमति के लिए आगे आने हैं उनमें भी सहमति के लिए दबाव बढ़ेगा, दबाव बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको एक ही कारण, एक ही कुछ चीज़ों पे हमारी सहमति होगी, कुछ में सहमति होना बाकी होगी, उसकी वजह से हम दोनों के संबंध में खटास नहीं आना चाहिए। और दोनों प्रधानमंत्री हाईएस्ट लेवल पर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम जो मनोवैज्ञानिक खाई हैं वो इससे दूर होगी। हम लोगों के रिश्ते करीब हैं और करीब आएंगे, और नेपाल और भारत के बीच में जितने भी गतिरोध बने हुए हैं, कभी कभी गतिरोध बन जाते हैं, उनको दूर करने में इस भ्रमण से बहुत बड़ा सहयोग होगा। प्रचंड साहब तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और इससे पहले भी वो भारत आए हैं, लेकिन पिछली बार उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो चीन की थी, इस बार उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की है, तो क्या माना जाए कि नेपाल ने अपनी प्राथमिकता या रिश्तों में जो तरजीह है वो साफ की है इस विजिट के जरिए? देखिए, आप हमें ये दोनों देशों के बीच में, किसी पड़ोस पड़ोस के बीच में तुलना की स्थिति में ला के ये कॉम्प्लिकेटेड स्थिति मत बनाइए। मैं आपसे खास बात यह कहना चाहता हूँ कि भारत के साथ हमारे पॉलिटिकल सांस्कृतिक, हम एक ही राजनीतिक पद्धति पे, प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारा सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरा है, हमारे यहाँ से बहने वाली नदी जो है भारत होके वो समुद्र पे जाती है। हमारा दो तिहाई व्यापार भारत से होता है, और चीन के साथ भी जितना हमारा व्यापार होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है हिंद महासागर के माध्यम से आता है। इसीलिए चीन भी हमारा उत्तरी पड़ोस है, और वो भी उसके साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन भारत के साथ हमारे जैसे घनिष्ठ रिश्ते हैं, उन पड़ोसी चीन के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए हमको ऐसा करना चाहिए कि हम दोनों देशों के लिए घनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया और चीन के साथ अच्छे रिश्तों का शब्द का इस्तेमाल किया। हम तो जो है वो दोनों देशों के बीच में रिश्ते भूगोल की वजह से भी निर्धारित होते हैं, सुरक्षा की वजह से भी निर्धारित होते हैं, आर्थिक इंटरेक्शन के भी, आर्थिक जो अंतर क्रियाएं होती हैं उसकी वजह से भी निर्भर होते हैं, सांस्कृतिक वजह से भी निर्भर होती हैं। कई चीज़ें हैं जो मुल्क की परराष्ट्र नीति को, रिश्ते को जो है निर्धारित करती हैं। हम चाहते हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते में कोई कहीं कमी कमजोरी है भी तो वो दूर हो, और हमारे रिश्ते जैसे पहले से अच्छे आ रहे हैं वो आगे बढ़े। कोरोना के बाद से छोटे देश जो है वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां हैं, खासतौर पर नेपाल के सामने भी हैं, श्रीलंका का अनुभव भी नेपाल के सामने है। इस विजिट में नेपाल की कोशिश भारत से किस तरीके की आर्थिक संभावनाओं की होगी या किस तरीके की मदद की होगी, क्योंकि ग्रांट को लेकर भी आप कई बार बात करते रहे हैं। भारत हमारा मित्र राष्ट्र है और बहुत पहले से हमें सहयोग करता आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो बजे ये व्यापार घाटा है नेपाल को, भारत के साथ जो व्यापार घाटा है वो भारी व्यापार घाटा है। इसीलिए जो नेपाल में प्रोडक्शन होने वाली जो भी कृषि वस्तुएं हैं उनको भारत में रेसिप्रोकल बेसिस पे नहीं, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में भारत में उनको आने देना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जैसे जूट हुआ और कुछ ऐसे ही बहुत कम हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है, उसको भारत को देखना चाहिए कि उसको कुछ नेपाल को सहूलियत मिले, इससे हमारा व्यापार घाटा जो है वो रिकवर होगा। वैसे भी हमारे कई किस्म के संबंध है भारत के साथ, और भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़ी है। बहुत बड़ा संबंध जो है वो सीमा से जुड़ा हुआ है, और भारत और नेपाल लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन हाल के दिनों के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको लेकर नेपाल में भी चिंताएं हुई हैं, जो रोहिंग्या
आए हैं नेपाल के अंदर, उत्तराई के इलाके में बसे हैं, इसको लेके भारत में भी चिंता है। तो नेपाल इन चिंताओं को दूर करने के लिए आप अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नेपाल अपनी भूमि को किसी भी देश के सुरक्षा के लिए दुरुपयोग होने कभी भी नहीं देगा। हम चाहते हैं कि हमारा चाहे दक्षिण का पड़ोस हो या उत्तर का पड़ोस हो, उसको आंतरिक मामले में हम लोग अपनी भूमि को प्रयोग नहीं होने देंगे। किसी भी किस्म का कोई खतरा अगर हो, आप लोग कहें, भारत सरकार कहे, तो उसको पूरी तरह से हम लोग नियंत्रण करेंगे। हम लोग ऐसी परिस्थिति है कि नेपाल से होकर कोई बड़ा घटना जो है वो पहले एक विमान हादसा हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। हम लोग पूरी तरह से रेगुलेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल विदेश मंत्री जी मेरा, कि पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से प्रधानमंत्री जी आए हैं और उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे जी, ये भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में क्या खास बताता है? और ऐसा वामपंथी पृष्ठभूमि से आए प्रचंड साहब महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसको भी बड़ा खास माना जा रहा है। अब महाकाल मंदिर देखिए आस्था का प्रतीक है, और पशुपतिनाथ के बारे में भी आप खुद जानकार हैं, ये महान जगह हैं हमारे लिए, ये पूजनीय तीर्थस्थल हैं। यहाँ आना, यहाँ जाना, ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि हम लोग इसी रूप में इस चीज़ को देखते हैं, मैं इसी रूप में इस चीज़ को देखता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ हम देखते रहते हैं, आपने बातचीत के लिए हमें अवसर दिया और भारतीय जनता आपके श्रोताओं के साथ पहुंचने का अवसर दिया और अपने देश के बारे में बताने का अवसर दिया, आपको भी धन्यवाद है। धन्यवाद, और आपकी यात्रा भी सफल हो और भारत और नेपाल के रिश्ते भी जो हैं वो और मजबूत हो, क्योंकि एबीपी न्यूज पर ही सबसे पहले प्रचंड साहब ने कहा था कि वो भारत के दौरे पर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, वो आ गए हैं और इस यात्रा को सफल करने के लिए दोनों देश के जनस्तर पर जो है इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.